हे एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। अब आई गए तो वीडियो पूरा देख के जाना। सो इट्स 5:30 राइट नाउ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ होल नाइट स्टडी ब्लॉग। होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेशन विद केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में भी विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद ये मत सोचने लग जाना कि मैं भी होल नाइट स्टडी करूँगा और करूँगी इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। एंड आई नो ये आप सबको पता होगा कि सबका माइंड एक टाइम पर एक्टिव नहीं रह सकता। किसी का माइंड मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहता है, किसी का माइंड नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव कब रहता है, किस टाइम आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो स्टडीज़ पर, उसी टाइम पर हो, इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी होल नाइट, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 1 or 2 वीक में एक बार ही कर लो, वो भी तब जब ज़्यादा ज़रूरी हो, लाइक आपका टेस्ट हो और उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो, आपका सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ हो, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है तब। बिकॉज यू ऑल नो डेली होल नाइट स्टडी करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ना ही आइज़ के लिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अगर आप लोग मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए मेनली एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ। फिर भी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है। सो आप चाहे जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, एक ना एक बारी तो आपके टीचर्स ने ये जरूरी बताया होगा कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बिकॉज 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप मेरी बातों पर ट्रस्ट मत करिए, बट अपनी टीचर्स की बातों पर ट्रस्ट करिए और प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उसको उठा के देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। और जो लोग नीट 2021 का पेपर दिए हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, एंड मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी नीट 2021 का पेपर दिया है। सो एज आई टोल्ड यू कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, इवन इफ यू रीड एनसीईआरटी कम्प्लीटली वंस स्टिल बी टेन टू फॉरगेट अराउंड 80% ऑफ जस्ट इन अ कपल ऑफ डेज। एंड ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा करते होंगे। एंड एनसीईआरटी के एवरी लाइन्स को, डायग्राम्स को और उसके फैक्ट्स को एग्जाम तक अपने माइंड में सेट करके रखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, एज 90% ऑफ द क्वेश्चन इन नीट 2021 केम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये तो मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। सो ऑल वी हैव टू डू इज जितना ज़्यादा हो सके हमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे एनसीईआरटी की हर एक लाइन्स हमारे टिप पे हो। एंड देन आई सर्च्ड फॉर एनी वेबसाइट और ऐप टू डू दिस इन एन इंटरेस्टिंग वे, देन आई फाउंड मेमोनेट। सो बिफोर गोइंग इन टू वॉट इज इन द मेमोनेट ऐप, वन फैक्ट इज 90% ऑफ नीट 2021 बायोलॉजी क्वेश्चन कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस ऐप। सो बाई यूजिंग मेमोनेट ऐप आप इजिली बायो में 340+ एंड केमिस्ट्री में 160+ स्कोर कर सकते हैं। मेमोनेट हैज़ 20,000+ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, डायग्राम, चैप्टर, समरी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एज फिजिक्स इज गेटिंग टफर एंड टफर फॉर एवरी वन, सो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में एक भी मार्क लूज नहीं करना है, ताकि हम नीट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वेन एवर यू प्रैक्टिस क्वेश्चन योर माइंड विल बी इंगेज इन इट एंड आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होने वाला है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ लेजी और बोर्ड टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, this app is for you. For physics, they have done something really really special for physics to make your score 100 to 120 marks, जो आपको 600 to 620 marks दिला सकता है। They are attacking physics with 4 aspects, जो average students के लिए काफ़ी अच्छा है। First, यहाँ पर video lectures सिर्फ important concepts के provide किए जाते हैं, जो हमारे concept को और भी ज़्यादा strong करने में help करता है। सेकेंड इज़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन एंड बेसिकली रेनफोर्स द कॉन्सेप्ट एक्टिवली इन योर माइंड। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में और उन्हें याद रखने में हेल्प करते हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और ईजिली सॉल्व कर सकें। दे हैव अ PYQ सेक्शन जहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे एंड द वीडियो सोल्यूशन आर क्लियरली एक्सप्लेन एंड टॉप नॉच। फोर्थ थिंग, दे हैव डन समथिंग यूनिक। In NEET exam, usually same model of problems come from previous year a lot. So what they have done basically, they took each and every previous year question and formed a similar type of question of same concept and same work method. जैसे कि आप ऐसे type के question को जो already पूछे जा चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा important है उसे बार बार practice कर सके, this is a game changer definitely. And ये section बहुत ही unique है and it is very helpful. And you know what, Memonit also has an eye repeat technology. So if you study a question
एंड गेट इट रॉन्ग वाइल रिवाइजिंग इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड अंटिल यू गेट इट राइट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड रोली 300 जिससे आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 2 years प्लान्स आर अवेलेबल फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स एज वेल एंड अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं बट आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सो आप मेमोनेट टीम को ईमेल कर सकते हैं हियर इज़ द ईमेल आईडी एंड दे विल हेल्प यू टू पे थ्रू बैंक ट्रांसफ़र एंड इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गो एंड चेक इट आउट बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. इट्स 1 राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज हाइड्रोकार्बन्स बट ये सिर्फ आज में ही रिवाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज ये पूरा नोट्स नहीं है आधा नोट्स है एंड जब तक मैं इसे बोर नहीं होती हूँ तब तक मैं इसे रिवाइज करूँगी अदरवाइज आई विल स्विच टू अनदर सब्जेक्ट एंड हियर इज़ अनदर क्वेश्चन व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट वेल अकॉर्डिंग टू मी जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इसके पीछे का मोटिव कुछ बहुत बड़ा हो एंड आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस अपना 100% देने के लिए तैयार हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रॉप इज लेते हैं ना कि जो चीज़ें उन्हें अच्छे से नहीं आती हैं जो चीज़ में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं अभी तक वो चीज़ें वो अच्छा से कर सके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ड्रॉप ही इसलिए लिया था ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें और वो अच्छा कर रहे हैं आई एम नॉट सेइंग कि ड्रॉप लेना बहुत अच्छी बात है बट ड्रॉप लेने से अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मुझे ये करना चाहिए एंड सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो मैटर करता है वो है सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ विदाउट रिग्रेट बिकॉज अगर मैं चाहती तो ड्रॉप नहीं लेती किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया होता और पढ़ रही होती बट ना वो चीज़ें मुझे लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी लाइफ में एक हमेशा ना रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी लाइक मुझे ये करना था मैंने ये कर लिया काश मैंने वो कर लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती ऐसा होता वैसा होता एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड मेरे पेरेंट्स ने भी कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है लाइक उनका ये कहना है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम करो एंड मैं भी बताऊँ तो मुझे किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट इन दिस फील्ड एंड मेरे को बहुत सारे लोग एडवाइस कर चुके हैं करते रहते हैं इस फील्ड में एडमिशन ले लो ऐसा कर लो वैसा कर लो ग्रेजुएशन कर लो मतलब मेरे को लगता है कि मैं क्यों करूँ यार जब मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे वो करना ही नहीं है मैं किसी और की बातें सुनकर वो चीज़ें क्यों करूँ एक ही तो लाइफ है यार तो जो अपने मन का करना है उसे करना है ना एंड इसकी क्या श्योरिटी है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर कुछ और कर लिया तो उससे मुझे जॉब मिल ही मिल जाएगी बट MBBS का ये है कि मैंने इसे कर लिया तो ये एक है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से तो जॉब मिल जाएगी ये तो कन्फर्म है एंड मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ड्रीम मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा जो ड्रीम है जो सपना है वो एक सपना बन के ही रह जाए मुझे इसको रियलिटी में भी कन्वर्ट करना है यार सो इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी एंड ये मेरी लाइफ है यार सो मुझे अपनी लाइफ में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं करनी है कि लाइक वो आ रहे हैं मेरे को एडवाइस दे के जा रहे हैं कुछ और बोल के जा रहे हैं ये कर लो वो कर लो तो मैं वो करने बैठ जाऊँ नहीं मेरे से वो नहीं होगा आई नो कि बहुत सारे लोग इन सब बातों में आ जाते हैं एंड किसी किसी को लगता है कि अब मेरे से नीट नहीं हो पाएगा मैं किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ उससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी सो आप डेफिनेटली करो बट ये सिर्फ अपने हिसाब से करो लाइक आप ऐसा सोच रहे हो मेरे लिए ये ठीक है तो आप ये करो बिकॉज वो आपके लिए ठीक है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके लिए वो ठीक ही होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ सो कोई ये ना ले लेकिन लाइक ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया एंड रही बात कि स्कूल फ्रेंड से पीछे हैं या फिर आगे हैं सो देखो ना वो चीज़ें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती बिकॉज उनको अपनी लाइफ में जो करना है वो कर रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में जो करना है मैं कर रही हूँ और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं तो वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आपका गोल क्या है आपका मोटिव क्या है कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती है कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है वो चीज़ें मैटर करती हैं एंड
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है। जिस दिन मैं अपना 100% दे दूँगी ना, उस दिन मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। और ऐसा मुझे लगता है कि जिस दिन मैं अपना 100% दे दूँगी ना, उस दिन मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। सो बस यही है। एंड मैं तो आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आप 100% नहीं देना चाहते या फिर नहीं दे पाओगे, आपको अपने आप पे डाउट लगता है जो कि होना नहीं चाहिए, बट अगर लगता है तो आप किसी और फील्ड में चले जाओ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे फील्ड में भी जाके अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आपको सिर्फ यही चाहिए, बस इसी फील्ड में आना है, सो आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाओ। और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, सब अलग कर लो, बस एक चीज़ पे फोकस कर लो। एंड एक चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो वो चीज़ें आज नहीं होंगी, कल नहीं होंगी, लेकिन परसों नरसों तो डेफिनेटली हो जाएंगी। सो उस चीज़ पे फोकस करो। एंड ये बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि ड्रॉप भी लेने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक स्टार्टिंग की आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, आप 11th 12th में अच्छा नहीं कर पाए थे, या 11th 12th में आपने कोचिंग नहीं लिया था, और या फिर किसी किसी को तो 11th 12th में पता ही नहीं होता है कि नीट होता क्या है या फिर इसके बाद करना क्या है, वो 12th के बाद ये इसके बारे में सोचते हैं और करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटस और इसकी वजह से लोग कोचिंग भी नहीं कर पाते 11th 12th में, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। सो हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए वो ड्रॉपर हैं, सिर्फ ये नहीं बोल सकते, बिकॉज सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ के स्ट्रगल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सो हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऐसा नहीं करा इसलिए ऐसे हैं, ऐसा नहीं करा इसलिए ऐसे हैं। सो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते थे, तो आई थिंक सबको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज यू नो वेरी वेल ये आपके लिए कोई नहीं करने वाला, ये सिर्फ आप ही को करना है। एंड बाय बाय।